दोस्तों, अगर अभी तक आपने मिस्टर मीट रिटर्न्स एंड जोमेटो फूड डिलीवरी का पार्ट वन नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली के घर पॉटी बॉय शॉन आता है। शॉन के पास काफी सारा पिज्जा है, पर शॉन कल सुबह आने वाला था, लेकिन शॉन ने जोमेटो फूड डिलीवरी में काम शुरू किया है, इसलिए उसे रात को भी पिज्जा डिलीवर करना पड़ता है। और आज वो गुल्ली बुल्ली के साथ पुराने कब्रिस्तान के पास पिज्जा डिलीवरी करने जाने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन पिज्जा डिलीवरी करने पुराने कब्रिस्तान के पास आते हैं और उसी घर के पास जाते हैं जहां उन्हें पिज्जा डिलीवरी करना है। उस घर के पास आते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही किसी ने दरवाजा फट से खोल दिया और उसने सारे पिज्जा को एक टोकरी में रखने को कहा। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने सारे पिज्जा को टोकरी में रख दिया और वो लोग जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं, उस घर में से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है वहां किसी को मारा जा रहा है। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं वो अंदर देखें, और जब गुल्ली ने अंदर देखा तो अंदर का माहौल कुछ और ही था। वहाँ एक बड़ा सा दानव खड़ा था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। उस दानव ने अपना पैर एक बूढ़े आदमी पे रखा था और ऐसा लगता है वो उसे अभी मारने जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस दानव ने उस बूढ़े आदमी से पैर हटा लिया और वो बूढ़ा आदमी भी सोफा से उठता है। लेकिन ये करने क्या वाले हैं? अरे नहीं, लगता है ये लोग बाहर जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली इनसे कैसे भी छिपते हैं और ये लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को बिना देखे बाहर चले जाते हैं, पर इनके चंगू मंगू अभी भी बाकी हैं। चंगू तो आगे चला जाता है, लेकिन मंगू वहीं खड़े होकर अपने आसपास देखने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली की हालत बहुत खराब हो जाती है, कहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन पकड़े ना जाएं। लेकिन चंगू गुल्ली बुल्ली और शॉन को बिना देखे ही आगे बढ़ जाता है और गुल्ली बुल्ली बच जाते हैं। इधर ये दानव और उसकी गैंग उस कब्रिस्तान के पास आते हैं और वो बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान का गेट खोलता है और ये तीनों उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को कब्रिस्तान के अंदर क्या काम हो सकता है? गुल्ली बुल्ली को कुछ नहीं समझ आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें देख शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। शॉन की बात सुन गुल्ली बुल्ली कहते हैं, शॉन हमें इन सारी चीजों के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा, ये इतना भयानक दानव कौन था और ये लोग उस पुराने कब्रिस्तान में क्यों गए हैं। शॉन तुम हम लोगों के साथ चलो। गुल्ली बुल्ली की बात सुन शॉन भी गुल्ली बुल्ली के साथ उस पुराने कब्रिस्तान के पास जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस कब्रिस्तान के पास आते हैं और अंदर झांकने की कोशिश करने लगते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, पर गुल्ली बुल्ली को कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, अब हम घर चलते हैं, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। शॉन की बात सुन गुल्ली कहता है, शॉन हमें अंदर चल के देखना चाहिए, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बाहर ही खड़े रहो, मैं और बुल्ली अंदर देख कर आते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं गुल्ली बुल्ली, मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है। अच्छा शॉन, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारे साथ बुल्ली बाहर ही खड़ा रहेगा। गुल्ली की बात सुन शॉन कहता है, ठीक है बुल्ली। और इतना कहकर गुल्ली कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। गुल्ली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका डर वैसे वैसे बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि अंदर क्या होने वाला है गुल्ली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। गुल्ली थोड़ा आगे आकर एक ग्रेव के पीछे छिप जाता है और वहां क्या चल रहा है देखने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन फिर भी गुल्ली को कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। गुल्ली सोचता है वो थोड़ा और आगे बढ़कर देखे। बाल बाल बचा है गुल्ली, वरना अभी तो गुल्ली पकड़ा ही जाता। लेकिन इधर वो बूढ़ा आदमी और दानों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो किसी का कब्रिस्तान लगता है। लगता है आज ये दानों किसी को जिंदा करने वाला है। ये तो कोई ताबूत लगता है। लगता है आज ये लोग जिसे भी जिंदा करने वाले हैं वो इसी ताबूत में है, और ये बूढ़ा आदमी इसी कब्रिस्तान का मालिक है। ये इस कब्रिस्तान को लगभग 30 सालों से देख रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा दानों कौन है? ये लोग उस ताबूत को बाहर ही रखते हैं, और वो बूढ़ा आदमी उस ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस ताबूत को खोल देता है, लेकिन इसमें तो किसी की सड़ी हुई लाश पड़ी है। लेकिन ये लाश किसकी हो सकती है? इधर गुल्ली ये सारी चीजें देख रहा था। गुल्ली को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही थी। गुल्ली समझ गया था कि ये लोग मिलकर जरूर किसी को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन ये किसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो दानव उस ताबूत के पास बढ़ता है और उस ताबूत में देखने लगता है। ताबूत में देखने के बाद वो दानव उस बूढ़े आदमी के पास देखता है और अपने चंगू मंगू को कुछ इशारा करता है। उस दानव का इशारा सुन चंगू मंगू उस बूढ़े आदमी के पास जाने लगते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसी कब्र पे लेटा देते हैं जहां से ये ताबूत निकला है। और अब ये लोग उस बूढ़े आदमी की बलि देने वाले हैं ताकि ये लोग इस आदमी को जिंदा कर पाए। वो दानव थोड़ा सा भी देरी ना करते हुए उस आदमी की बलि दे देता है। ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है। लेकिन मिस्टर मीट तो मारा जा चुका था और इस दानों ने मिस्टर मीट को दोबारा से जिंदा कर दिया। मिस्टर मीट को देखकर गुल्ली की चीख निकल जाती है। गुल्ली की चीख सुन वो दानों पीछे मुड़ता है और गुल्ली को देख लेता है। गुल्ली को देखकर वो चंगू मंगू को इशारा करता है कि तुम लोग जाकर उसे पकड़ो, और दानों का इशारा सुन चंगू मंगू गुल्ली को पकड़ने के लिए गुल्ली की तरफ दौड़ लगा देते हैं। गुल्ली ये देखकर कब्रिस्तान से बाहर भागने लगता है। दोस्तों, उस दानों ने तो मिस्टर मीट को फिर से जिंदा कर दिया। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट से बच पाएंगे? अगर आपको ये जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।